Very good morning to all of you, and I'm very excited to be here to start my CA final journey again with all of you. Kya hal chal, kon kon aaya, ek baar batao. So I can see Nishtha here, Vineet here, Naveen here. Hi guys. Are you here, guys? Good morning. Hi, beta. Right. So, good morning, Kiran. Hi, Vineet. Hi, Naveen. Hi, Nishtha. So, today we're going to be starting our journey for CA final. So, aap logon ne inter kab kiya? Ho sakta hai aapne abhi 6 mahine pehle kiya, ho sakta hai aapne saal pehle kiya. So, अभी पहले वो the first 15-20 minutes what I'm going to do, we are going to start with how we are going to be preparing. And I think, hi Rahul beta, good morning. आप लोगों को intermediate का कितना याद है ये भी देखना पड़ेगा. And we will need to do what we call inter recap. So, मैंने एक ना पहले का 5-7 दिन, about 4-5 days, mornings about 4-7 days, पहला week is what we call inter recap. हमने intermediate में क्या-क्या पढ़ा, उसको recap करेंगे. So just a bit about all of you. आप लोगों ने inter कब clear करा? एक बार बताओगे सारे, कब-कब clear करा inter? Hi Isha, hi Sahana, good morning. June 21, okay. November 22, 21, Isha 23, अच्छा, अभी दिया ही है, okay, okay. So, यहाँ पर मैंने एक Google Drive का लिंक शेयर करा है, तो आप लोग पहले तो उस Google Drive के लिंक को प्लीज सेव कर लो, because उसमें notes, I will give you the notes. और एक ये टेलीग्राम का लिंक है जहां पर हम टच में रहेंगे, सो यू कैन ऑल जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. ठीक है, तो एक हो गया गूगल ड्राइव का लिंक, एक हो गया टेलीग्राम का लिंक. सो हैज एनीवन ऑफ यू स्टडीड फ्रॉम मी एट सीए इंटर लेवल? क्या आप लोगों में किसी ने मेरे से इंटर में पढ़ाई करी? नहीं करी, नहीं करी तो बता दो नहीं करी, doesn't matter. I just want to know किस किस ने, कोई है जिसने मेरे से इंटर में पढ़ा? No, चलो शर्मा रहे सुबह सुबह. No sir, Kiran hasn't. Anyone? Just a brief. No. पढ़ा था थोड़े से चैप्टर. Okay, good. No sir. Right. So, बच्चों मेरे साथ first of all, I look at what we call conceptual clarity. I believe आप लोगों को the moment you get your degree, you're going to be asked a lot of questions because you are the final word in the world of CA. तो ये जो हमारा preparation stage है, इसमें हमें बहुत सारी conceptual clarity चाहिए. Now, just a quick idea of what we are going to be doing. आप लोगों का अटेम्प्ट कब का है? मई का है या नवंबर का है? मई, ओके, नवंबर, मई 24 होगा बेटा, मई, ओके. तो बच्चों, वी आर स्टार्टिंग ऑन द 1st ऑफ दिसंबर. नाउ, जो मेरा कोर्स है, विल टेक अबाउट 4 मंथ्स टू कंप्लीट, ओके, रफली अराउंड हमारे जो नंबर ऑफ आवर्स बनेंगे वो टोटल अप्रोक्सीमेटली 200 प्लस बनेंगे. नाउ इन 4 आवर्स व्हाइल वी आर डूइंग जो आपको मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स आई विल गिव. और अगर आपने अनअकैडमी से लेटेस्ट सिर्फ मेरा वाला कोर्स खरीदा है तो आपको वो बुक्स उसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगी. So there are going to be a set of approximately 5 modules, जिसमें सारे notes होंगे, जिसके बारे में मैं बताता हूँ अभी. अगर आपके पास
अनअकैडमी का अभी लेटेस्ट मेरा वाला नहीं खरीदा है, देन ऑफ कोर्स यू कैन बाय द नोट्स, और मैं यहां पर आप लोगों को गूगल ड्राइव लिंक दे रहा हूं अभी के लिए, जो आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सो देयर आर गोइंग टू बी 4 मॉड्यूल्स प्लस 1 प्रैक्टिस मैनुअल, जिसके अंदर सारे ICAI के PYQs, RTPs सॉल्व मिलेंगे। नाउ व्हाइल वी आर डूइंग इट, जो नोट्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वही नोट्स क्लास में यहां पर मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रिक्वेस्ट एक्सेस मांग रहा है सर। अच्छा चलो, मैं आफ्टर दिस क्लास या इफ यू अलाउ मी, एक मिनट दीजिए, मैं एक्सेस दे ही देता हूं, दे दूंगा अभी। आई थिंक आफ्टर द क्लास आई विल गिव यू एक्सेस। और जो फाइल्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगी, उनका पासवर्ड मेरा नाम होगा, तुली सर ऑल इन स्मॉल्स, ठीक है। सो पासवर्ड जो होगा फाइल्स का विल बी दिस, राइट। नाउ मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा, वी विल गो थ्रू एवरीथिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। आई ऑलवेज बिलीव दैट हर बच्चे को पता होना चाहिए कि टीचर कैसे पढ़ाता है और उससे कैसे पढ़ना है। सो व्हाइल वी आर डूइंग द कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड स्टडी, हमें सेक्शन वाइज बेयर एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। सो आई एम वन टीचर हु इज गोइंग टू बी लुकिंग एट अ लॉट ऑफ बेयर एक्ट। हर बेयर एक्ट के साथ बेयर एक्ट का सिंपल वर्ड में एनालिसिस होना चाहिए और उसके कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस होने चाहिए और उससे रेलेवेंट कुछ केस स्टडी होने चाहिए, क्योंकि सीए फाइनल में केस स्टडी का बहुत काम आता है। सो ऑल दीज नोट्स विल हैव ऑल ऑफ दीज, धीरे धीरे करके, लिटिल बाय लिटिल इज माई हैशटैग, little by little an hour goes by little a day, little by little we will reach our goal, and of course we don't want to let it slip away. Now jab hum detail chapter padhenge, jaise TDS ka chapter hai ya business head hai, in chapters mein hafta bhi lag sakta hai, 10 din bhi lag sakte hain, because these are lengthy chapters, and abhi hum paper analysis karke dekhenge, in chapters mein se almost 25 marks ka paper aata hai, we will look at the paper analysis, we will look at ICI ka, इस समय ICAI ने नया मटेरियल जो निकाला है उसमें उन्होंने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन क्या करा है, आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ इट। सो व्हाट वी विल डू इज आफ्टर एवरी चैप्टर वी मस्ट हैव व्हाट वी कॉल क्विक रिवीजन। जो लोग इंटर में मेरे से करते हैं उनको पता है दैट आफ्टर एवरी चैप्टर वी विल हैव अ क्विक रिवीजन। सो इफ आई हैव स्पेंट अबाउट 8 डेज डूइंग TDS और अबाउट 10 डेज डूइंग बिजनेस हेड, तो 8-8 घंटे में हम लोग क्विक रिविजन करेंगे, और क्विक रिविजन के आपको मैं रिविजन स्लाइड्स देता हूं विच विल हेल्प यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर इन अ शॉर्ट टाइम। सो क्विक रिविजन अलॉन्ग विद क्विक रिविजन स्लाइड्स, देन आफ्टर दिस वी विल हैव व्हाट वी कॉल MCQ क्विज, क्योंकि अभी MCQs का प्रिपरेशन है, सो वी विल हैव द MCQ क्विज। नाउ ऑल ऑफ दिस वी शुड ट्राई एंड कंप्लीट बाय मार्च एंड। उसके बाद आप लोगों का पेपर इस बार मई में है, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू इलेक्शंस इट कुड बी पोस्टपोन्ड, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी, बट इट कुड बी पोस्टपोन्ड, सो वी विल हैव एक्स्ट्रा टाइम होपफुली फॉर द रिवीजन एज वेल। नवंबर वालों के लिए तो बहुत टाइम है। नाउ सर, अमेंडमेंट्स एंड केस स्टडी, ICAI हर अटेम्प्ट के लिए एक नई फाइल रिलीज करता है, सो देयर आर स्टैट्यूटरी अपडेट्स and case study that ICAI releases for every attempt in the month of February लगभग, तो उसका एक session अलग से आएगा, whatever is the latest case study ICAI wants us to read, whatever are the latest amendments ICAI wants us to look at, जो कि हालांकि मैंने सारी कर ली होंगी, तो जो भी आपको notes अभी मिलेंगे they will be updated for May 24, क्योंकि May 24 में जो लॉ आता है दैट इज एज अमेंडेड अप टिल 31st October 23। अभी सारी बातें करते हैं धीरे धीरे, तो वो मैंने कर लिया सारा। उसके बाद जो नवंबर वालों के लिए होगा उनके लिए भी एक स्टेट्यूटरी अमेंडमेंट्स और केस स्टडी का सेशन अलग से आएगा, बिकॉज वॉट एवर इज द डिफरेंस बिटवीन मे एंड नवंबर वो मैं वहां करवा दूंगा। साउंड्स ओके टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया ये, इज एवरीवन क्लियर, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क मी, चले आगे। नाउ Now, my teaching methodology, I always believe that one must understand what is the teaching methodology. देखो बेटा, law को पढ़ने के तीन तरीके होते हैं। The first stage, you have to read the law. आप और मैं law लिख नहीं रहे हैं, आप और मैं law पढ़ रहे हैं। Law लिखा किसने है? Legislature ने लिखा है। वो किताब पढ़ रहे हैं हम लोग। Now, वो किताब को पढ़ना कैसे है? एक हमें ये सीखना है, how to read the law. What are the rules of interpretation?
What is a proviso? What is an explanation? What is a section? What is a subsection? आप लोग इंटर करके आए हैं, आई नो आप लोगों को ये बातें पता होंगी, बट फिर भी मैंने बोला मैं पहले हफ्ते में इंटर रिकैप कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल पे जितना भी पढ़ा वो एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एंड देन ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट द सीए फाइनल लेवल स्लोली. आई बिलीव गाड़ी को पहले गियर में डालते हैं ना तो झटके खा के चलती है, सेकेंड गियर में इट्स स्टिल अ लिटिल थोड़ा सा खींच के चलेगा, बट बाय द टाइम वी रीच द थर्ड एंड द फोर्थ गियर वी आर रनिंग स्मूथली. बट इफ वी इमीडिएटली स्टार्ट द कार एंड रन इन द फिफ्थ गियर तो गाड़ी रुक जाती है. देयरफॉर आई गो बाय माय फिलॉसफी दैट फर्स्ट आई विल बिल्ड द बेस फ्रॉम द फाउंडेशन. जिसको इंटर याद है नहीं याद है, मैं वो रिस्क नहीं लेता कि आपको इंटर याद नहीं है, तो आई विल हैव टू रिवाइज द इंटायर इंटर. आई होप यू आर ओके विद दैट. व्हेन आई से इंटायर, ये नहीं कि मैं पूरा महीना लगाऊंगा, हफ्ता चाहिए अपने को वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रीलोड करने के लिए. सो वी नीड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड वी हैव टू बी एग्जाम रेडी. सो यू हैव टू रीड द लॉ. देन कम्स द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट मेमोराइजिंग द लॉ. लॉ हमें याद ही नहीं है तो उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? तो कई बच्चे कहते हैं कि सर याद करने में मुश्किल होती है. देन अगेन आई विल से पीपल हु आर डूइंग, इफ दे नो हाउ टू मेमोराइज द लॉ, क्लास के अंदर साथ साथ याद होगा. दैट इज माई प्रॉमिस. सो बाय द टाइम आई फिनिश द कोर्स 60-70% ऑफ द लॉ यू विल हैव रिमेंबर्ड ऑन योर ओन, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रेगुलर एवरी डे, लिटिल बाय लिटिल हम उसको एड करते जाएंगे. नाउ जस्ट बाय मेमोराइजिंग लॉ बात नहीं बनेगी, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. वेरियस सिचुएशंस के बारे में हमें अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी. वी विल हैव टू थिंक. नाउ दैट थिंकिंग इज टू बी डन बाय द स्टूडेंट. माई जॉब इज टू मेक यू थिंक, बिकॉज immediately after you become a CA, there will be people paying you money to hear you, listen to you, give your aapke advice sunne ke liye. Sir, hamara tax kaise bachega? Agar aapko law yaad hi nahi hai, ya yaad hai par usko samajh mein nahi aaya ki usko apply kaise karna hai, then becomes a problem. So we have to start developing the habit of thinking. And then of course, applying the law into practical life situations. जिसको आप केस स्टडी भी बोल सकते हो या आपके जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो भी बोल सकते हो. सो दीज आर फोर स्टेजेस. वी रीड द लॉ, वी मेमोराइज द लॉ, वी अंडरस्टैंड द लॉ, एंड देन वी लर्न टू अप्लाई द लॉ. मेरे लिए वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन द व्हाट. आप क्या पढ़ रहे हो उससे ज्यादा है कि वो क्यों पढ़ रहे हो. अगर एक सेक्शन में प्रोविजन दिया है, वो प्रोविजन क्या कहता है ये तो समझेंगे, पर वो प्रोविजन क्यों आया और उसको लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या रीजन है ये समझना बहुत जरूरी है. सो दिस इज व्हाट आई विल बी रेइंग स्ट्रेस ऑन. आई वांट एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. सी, अ टीचर्स जॉब इज नॉट जस्ट टू टीच द सब्जेक्ट एंड फिनिश इट. इट इज टू बी एबल टू मेक द स्टूडेंट केपेबल ऑफ पासिंग ऑन दैट नॉलेज टू द क्लाइंट्स एज वेल. तो वो क्यों समझना जरूरी है जिसपे हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे. ना पेपर एंगल से अगर मैं आऊं तो आपको अपना पेपर में क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है. प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आता है उसको कैसे प्रेजेंट करना है. एंड प्रेजेंटेशन हेल्प्स यू ऐड एटलीस्ट 20% ऑफ योर मार्क्स. सो प्रेजेंटेशन सीखना जरूरी है, जो हम साथ साथ व्हेन वी डू द प्रैक्टिस मैनुअल वी विल डू एवरीथिंग इन क्लास. प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चंस, एंड वी विल लर्न हाउ टू प्रेजेंट आवर आंसर्स एज वेल. इसके बावजूद आईसीएआर हमें स्पीड ऑफ पेपर पे मारता, बिकॉज द पेपर इज वेरी लेंथी. नाउ व्हेन यू रीड द पेपर, आपको ना सिर्फ पेपर को पढ़ना है, क्वेश्चन को, उसके बारे में लॉ को याद करना है, समझना है, क्या अप्लाई करना और लिखना भी है, और सबके लिए टाइम बहुत कम है. सो हाउ डू वी स्पीड अप आवर प्रोसेस ऑफ, देयर इज अ यू नो आई हैव अ थ्योरी कॉल्ड रीड एंड सॉल्व. आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और उस सोल्यूशन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, वी विल वर्क ऑन दैट. वी शुड ऑल्सो लुक एट दिस एज अ वेरी प्रोफेशनल पेपर, कि पहले एक घंटे में हाउ डू वी मैक्सिमाइज द मार्क्स. बिकॉज जब पहला एक घंटा होता है, आई एम श्योर आप लोग इंटर का पेपर देकर आए हैं, कईयों के अच्छे हुए होंगे, कईयों को पहले एक घंटे में इफ यू लूज इट, यानी एक घंटे में अगर थोड़ा सा भी आपका माइंडसेट इधर उधर हो गया क्योंकि एक गलत क्वेश्चन उठा लिया या एक क्वेश्चन उठाया जिसके ऊपर 40 मिनट लग गए, तो आपका पूरा पेपर कई बार हिल जाता है. देयरफॉर फॉर मी द फर्स्ट वन आवर इज वेरी क्रूशियल. सो बाय द एंड ऑफ द कोर्स ड्यूरिंग जनवरी फरवरी में वी विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट सेशंस ऑन हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड फॉर द फर्स्ट वन आवर ऑफ द पेपर.
क्लियर है बात सबको? सो मैंने बोला देर आर स्टेजेस. स्टेप वन इज कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, क्विक रिविजन, क्विज, प्रैक्टिस मैनुअल, देन डिटेल्ड रिविजन फॉर पीपल अपेयरिंग फ्रॉम नवंबर एटलीस्ट. क्योंकि मेरे से कोर्स खत्म करने के बाद आप लोगों को शायद नवंबर तक लगे कि यार ये तो थोड़ा भूल रहा है. सो देर विल बी अ डिटेल्ड रिविजन सेशन कमिंग अप, जिसमें मैं आप लोगों को ये सारा कोर्स डिटेल में रिवाइज कराऊंगा. फास्ट ट्रैक नहीं मैं बोल रहा, डिटेल में रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको रिकॉल हो जाए. नो आई ऑल्सो हैव अ काउंटडाउन सीरीज इमीडिएटली बिफोर द पेपर. इट्स अ 5-day सीरीज और इस 5-day में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जो लंबे वाले 14 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, जो पहला क्वेश्चन आता है 14 मार्क का, या केस स्टडी सिनेरियोस होते हैं. तो ड्यूरिंग द कोर्स तो हम करेंगे ही करेंगे, बट ड्यूरिंग द कोर्स क्या होता है, ऐसा केस स्टडी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सारे सेक्शंस को इन्वॉल्व करता है और अभी तक हमें याद नहीं होते. सो इट मेक्स सेंस कि एक बार आपने पूरा कोर्स कर लिया, पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया, उसके बाद हम ये केस स्टडी वाले सिनेरियोस करें, टोटल इनकम के क्वेश्चंस करें, एंड देन वी क्रिटिकली एनालाइज कि क्या हमसे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे. एंड देन ऑफ कोर्स सम ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई डू इज आईक्यूज एंड एसटीज. हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, विच मींस आई विल गिव यू अ 20-25 पेज समरी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ताकि आप लोग अगर लास्ट डे में इनको रिवाइज करके जाओगे तो देन ऑफ कोर्स योर अटेम्प्ट बिकम्स इजियर. क्योंकि अगर उन्हीं में से कुछ आ गया और वही हमने अच्छी तरह रिवाइज कराओ तो इट एड्स अबाउट 20-30 मार्क्स ऑफ योर पेपर. ठीक है जी, क्लियर है सबको बात? अरे बोल दो, क्लियर है? स्टार्ट टॉकिंग टू मी चिल्ड्रन. आई थिंक इट इज नाइस इफ अ स्टूडेंट एंड टीचर हैव दिस डायरेक्ट कम्युनिकेशन. चलो गुड. सो ओनली ईशा एंड राहुल आर टॉकिंग टू मी. मैंने बोला मॉड्यूल 1-3 विल बी डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड देयर इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, बेयर एक्ट, पेज वाइज समरी होंगे, चार्ट्स बीच में. आई यूज अ लॉट ऑफ चार्ट्स बेटा. मेरे मॉड्यूल में बहुत सारे चार्ट्स होंगे क्योंकि टैक्स से पढ़ने के लिए हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है. ऑल ह्यूमन मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस. अगर आप बचपन से याद करोगे, आपको जो भी चीज याद आएगी, ऐसे थोड़े आएगा आई वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड देन आई मेट माय बेस्ट फ्रेंड. वो इमेज याद आती है. सो इफ देयर आर इमेजेस इन योर माइंड देन द एंटायर रिकॉल हैपेंस. सो आई विल यूज अ लॉट ऑफ चार्ट्स. मेरे नोट्स के बीच में भी दिया होगा और जो मैं रिविजन स्लाइड दूंगा उनमें चार्ट्स होंगे, सो दैट यू कैन रिवाइज इट वेरी वेरी इजिली. और एक मॉड्यूल 5 है, मैंने बोला सारे PYQs सॉल्व एज पर लेटेस्ट बुक्स. आई हैव अ मंत्रा. आई बिलीव एवरीबडी शुड हैव अ गोल, एवरीबडी शुड हैव अ विजन. मेरा भी एक मंत्रा है सीए के लिए. ये डिग्री हमें क्या देती है, यू नो, इवन टुडे व्हेन आई लुक बैक, आई बिलीव व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज योर एज, मैंने एक डिसीजन लिया था सीए करने का. तो शायद इतने सालों बाद वो डिसीजन अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी. बट टुडे आई लुक बैक एंड से यू नो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन माय यंगर सेल्फ टुक एट दैट टाइम, कि उसने सीए करने की सोची. ये डिग्री आपको पैसा देगी और पैसे से आपको फ्रीडम मिलती है और रिस्पेक्ट भी आपको मिलता है, क्योंकि डिग्री सिर्फ पैसा नहीं दे रही है, रिस्पेक्ट दे रहा है. एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ट्रस्टेड अस कि हम जाके पूरे देश का स्टेच्यूटरी कंप्लायंस कराएं. आई मीन आई फील वेरी प्राउड कि पूरे कंपनीज एक्ट में या पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सिर्फ एक ही बंदे को ऑथराइज करा है बैलेंस शीट साइन करने का कंपनीज एक्ट में, और टैक्स ऑडिट साइन करने का इनकम टैक्स में, दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो व्हाट डू यू हैव टू गिव द डिग्री इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड यू हैव टू एम फॉर परफेक्शन. कई बार थकावट होगी, कई बार डर लगेगा, कई बार ऐसा लगेगा छोड़ के भाग जाएं क्योंकि लेवल बहुत बढ़ने वाला है, पर उसके डर के आगे जीत वाली स्टेज पे हम पहुंचेंगे. सो दिस इज माय मंत्र फॉर ऑल ऑफ यू, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा एवरी डे, सारा रिवाइज ऑन संडे, लगे रहो, मेहनत करते रहो, डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं, बस फिर यू विल बी अ सीए वन डे. एंड यू नो यू हैव टू रिस्पेक्ट दीज टू अल्फाबेट्स. दीज आर अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट एंड दीज आर ओनली फॉर दोज हु डिजर्व. आई ऑलवेज स्टार्ट बाय सेइंग अगर 1000 बच्चा सीए फाउंडेशन में बैठा था तो 400 के आसपास पास हुआ था. आप लोगों ने वो स्टेज भी क्लियर करी. फिर 400 बच्चा इंटर में बैठा और मैं कहता हूं चलो 60 बच्चा पास हुआ.
सो यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑलरेडी, बट यहां से कहानी आगे 10% की होने वाली है, यानी इनमें से 6 आगे जाने वाले। नाउ माय आइडिया वुड बी दैट ऑल ऑफ यू आर अमंग्स दोस 6। तो सीए बनने के बाद, लाइक आई ऑलवेज से, 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बना, बट यू नो हाउ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर देयर इवन टुडे? पता है आप लोगों को कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंडिया में? 3.5 to 4 lakh चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड एवरी ईयर देर आर अबाउट 2 to 3 lakh स्टूडेंट्स हू आर अपीयरिंग। तो आप सबसे पहले इसको मान के चलो कि ये रास्ता कठिन जरूर है, बट इफ वी आर रेडी टू रेज द लेवल, आपका रिजल्ट रिजल्ट वाले दिन डिसाइड नहीं होता है, आपका रिजल्ट आज डिसाइड होता है जब आप मेहनत कर रहे हैं। हमें मेहनत कब करनी है? जब हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमें इंडेप्थ कब जाना है? एट द टाइम ऑफ स्टडी। सो वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यहां पर मेहनत करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अगर आईसीए का लेवल यहां है और हम उसे 20% ऊपर की स्टडी कर ले, तो क्या ये पेपर आसान लगना शुरू हो सकता है? यस, एंड दैट इज व्हाट माय एम इज गोइंग टू बी अन एकेडमी। लेट्स क्रैक इट।